स्टार्ट हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे सेड़ सेड़ नहीं। परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी जो पसीना भाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा आप सभी का स्वागत है गुड इवनिंग आप सभी के कमेंट आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैंने लाइव दोस्तों इसलिए लगवाया है सेशन आज का कि आपको महसूस हो सके कि भाई साहब यूपी पी दोस्तों यूपी पैट का एग्जाम का लेवल दोस्तों देखिए आप मतलब मैंने यहां पर ऐसे दोस्तों इसको अगर आप समझ पाओगे ध्यान देना यूपी ट्रिपल एस सी पैट दो हजार तेईस दोस्तों ये नहीं है ये यह है यूपीएससी पैट दो हजार तेईस एग्जाम है यूपीएससी क्वालिफाइंग जो एग्जाम है ना वो भी दोस्तों फीका पड़ जाए आपके एग्जाम के सामने भाई साहब दोस्तों अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग होंगे गुरु जी पेपर हार्ड आया है, इसलिए आप लाइव आ गए हो ना रसगुल्ला इसलिए दोस्तों लाइव नहीं आयो गुरु जी फिर क्यों लाइव आए हो आप जो है विश्लेषण करने आए हो ना दोस्तों विश्लेषण तो करने नहीं आया हूं, क्योंकि विश्लेषण करने लायक कुछ है भी नहीं इसके अंदर जो है कुल मिला के जो लाइव आया हूँ उसको महत्व दोस्तों केवल इतना सा है अगर आपका एग्जाम तो क्वालिफाइंग एग्जाम अगर आपका है यूपी पैड दोस्तों एग्जाम अगर आपका है कोई सो आप कोई सो इस एग्जाम के पास करने के बाद आप सीधा नौकरी नहीं देने वाले हो आपके इस तो क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेज पास कराने वाला एग्जाम है उसमें कुछ क्वेश्चन आपके सामने देखने वाला हूँ मैं मतलब दोस्तों गूगल से पूछोगे गूगल बोलेगा अभी रुक जाओ दो घंटे बाद बताऊंगा मैं आपका एग्जाम दोस्तों एंड हो जाएगा अभी देखेगा आप स्वागत है बिल्कुल हाँ बहुत दोस्तों बहुत आसान पेपर है

पचास परसेंट सवाल सो ऐसे हैं जो आपको किसी मैगजीन किसी बुक तो छोड़िए आपको सिलेबस में ना मिले हो तो सो जिसने पेपर बनाया है ना खैर तो भाई साहब वो भी ना कर पाए मैं तो चाहता हूँ मेरी आयोग से सिफ़ारिश है कि जिसने पेपर बनाया है उन्हें यूट्यूब पर लाइव लाइए मैं उनके बारे में बोलूँगा सुबह लाइव क्लास के अंदर और उन्हें लाइव लेकर आइए और हम हम चाहते हैं कि वो सोल्यूशन कराएं हमारे सामने आकर के हम देखना चाहते हैं भाई साहब की कि वो गांधी जी ने लंगोट कब पहना दोस्तों ये सवाल सवाल है भाई यार गांधी जी ने लंगोट कौन से उसमें पहना है बताओ भाई साहब गांधी जी ने लंगोट कौन से में पहना है ये आपको बताना है चलिए आइए शुरुआत करते हैं साहब के एग्जाम यूपी ट्रिपल एस पैट का एग्जाम है नेचर दोस्तों इसका क्वालिफाइंग एग्जाम है प्री लेवल का एग्जाम जो है क्वालिफाइंग एग्जाम आपके केवल दोस्तों क्वालिफाई करना था आपको पिछली बार भी सो एग्जाम हुआ था आपके और फिर तो इस बार भी एग्जाम आपके हुआ है पिछली बार के एग्जाम का क्या हुआ उनको खुद नहीं पता इस बात के बारे में इस बार दोस्तों क्या करने वाले वो खुद नहीं जानते इस बात के बारे में पिछली बार का क्या किया उन्होंने सो यूपी पैट का एग्जाम लिया उसके बाद उसको कितनी भर्तियां पूरी हो चुकी हैं आप सभी जानते हो और अब इस बार जो एग्जाम लिया है क्या दोस्तों क्या उद्देश्य था

फिर भी आप देख लीजिए दोस्तों क्या हुआ इस डिटेल सिलेबस का डीआई मैथ अभी आपको दिखाऊंगा एक आध सवाल आपसे भी करवाऊंगा चिंता मत करो यूट्यूब वालों तुमसे भी सवाल कराने वालों ठीके? एक आध तो नेचर दोस्तों प्री एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम था केवल आपको क्वालिफाइंग करना था इसके अंदर हाँ जिनका कल एग्जाम है उनके लिए सलाह मैंने अंत में दी है चिंता ना करें आप जरूर देखना अगले दस मिनट ध्यान से देखना ठीक है स्तर दोस्तों पीसीएस लेवल का नहीं इस स्तर दोस्तों कोई बोल रहा है पीसीएस लेवल का स्तर है ना रसगुल्ला पीसीएस तो का लेवल का स्तर है ही नहीं दोस्तों कुल मिलाकर आती है पीसीएस भी रसगुल्ला आपके सो, आपके तार्किक सवाल पूछती है भाई ये सवाल क्यों पूछा पीसीएस ने वो आपको बताएगी दोस्तों पीसीएस जो है ना आपको लगेगा कि यार सवाल तो हार्ड था पर ये सवाल आना चाहिए था सवाल दोस्तों हार्ड होना से अलग बात है सवाल को जबरदस्ती पूछना अलग बात है यहां सवाल दोस्तों जबरदस्ती पूछे गए हैं सवाल नहीं बवाल दोस्तों पूछा गया यहां पर सवाल थे ही नहीं हार्ड सो अलग बात आपके तो आपने ऑप्शन को हार्ड बना दिया सो आपने सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा आपने सो आपके एलिमिनेशन कर दिया वो अलग बात होती है ना यहां सवाल पीसीएस लेवल का नहीं है आपके वहां सवाल दोस्तों आपके पी भी कुछ सोच समझ के पूछती सवाल को इन्होंने ऐसे बस पूछ लिया है इनका मन था कि सवाल निकाले जाए कौन से सवाल अभी तक इतिहास में नहीं पूछे गए उनको निकाला गया है और फिर इतिहास बनाया गया दोस्तों आपके सामने तो पी लेवल का स्तर नहीं है बिल्कुल नहीं है जो कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं कोई पी लेवल का स्तर नहीं है ऐसा लग रहा है दोस्तों कोई बंद ताबूत में पेपर रखा हुआ था उसे निकाल कर दिया है आपके सामने ये देखिए स्तर कौन सी शिफ्ट

आपके आपके तो आप, दोस्तों तो चंद्रयान तो फायदा होगा कुछ सवाल ये भी आए मेरे पास पेपर हार्ड होगा ना तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उनका फायदा होने वाला है बड़ी दोस्तों तो अच्छी बात है होता तो फायदा दोस्तों तो होता ही आपके बस पेपर दोस्तों हार्ड होना और पेपर जो पूछा गया वो बेतुका होना इसमें दोनों में अंतर है ठीक है सो पेपर हार्ड होना और बेतुका होना अगर मैं चाहूँ और अगर सो मैं एग्जामिनर हूं मुझे पेपर सेट करना है और अगर मैं चाहूँ कि आप एक सवाल ना कर पाओ पेपर में गारंटी दोस्तों इस बात की है कि आप एक सवाल भी नहीं कर पाओगे जी के दोस्तों अथा भंडार है हिंदी अथा भंडार है मैं दोस्तों अथा भंडार है आपके सोचिए अगर मैं चाहूं कि आप एक सवाल ना कर पाओ पेपर में तो आप सवाल नहीं कर सकते दोस्तों आपके बस की बात नहीं होगी वो सो बेतुके सवाल होते हैं ना तो पेपर हार्ड होना अच्छी बात है सो इसी में पेपर हार्ड बन सकता है है ना पेपर बेतुका होना अलग बात है जो आज पेपर आपने पूछा है ना उसमें सवाल जो है वो बेतुके सवाल आपसे पूछे गए हैं आपके आपका पी का जो एग्ज़ाम था वो एग्जाम था ही नहीं दोस्तों ये केवल दोस्तों आपको उठाया गया है अपने घर से और आपको घुमाया गया है कि आप जाइए एग्ज़ाम देने आपका एग्ज़ाम जो है सेंटर पाँच किलोमीटर दूर है चार किलोमीटर दूर है तीन किलोमीटर दूर है जाइए घूम आइए वापस आइए और फिर दोबारा तैयारी कीजिए ये उद्देश्य आपके सामने लगा बिल्कुल ठीक बात है पेपर हार्ड होना चाहिए लेकिन दोस्तों तो बेतुका नहीं होना चाहिए तो सवाल पूछे गए आपके सामने अगर आप दोस्तों ढूंढोगे ना छोड़ो सो बच्चा दोस्तों दो तीन घंटे में क्या कर पाएगा वहां पर अगर आप ढूंढोगे बैठ के नहीं अगर मैं आपको किताब भी दे दूं ना ले किताब बेटा ढूंढ ले आंसर तो भी आप ना कर पाओ सवाल सारे के सारे जो है ऐसा पेपर का लेवल जो है लेवल से ऐसे सवाल आपके ढूंढ ढूंढ के लाएगी ठीक है क्या देखिए सब्जेक्ट मैं मानता हूं कि भाई जिनका सवाल जिनके जिनका देखो अब भी दोस्तों इसमें सेलेक्शन तो होने ही वाला ही है ना पर मेरा उद्देश्य केवल इतना बताना है आपके सामने कि जो पेपर के सवाल आपके सामने सब्जेक्ट

और अधिराज्य विधान मंडल ने भारत सरकार अधिनियम नाइन थर्टी फाइव की किस धारा के प्रावधानों के तहत सैतालीस से उनचास तक कानून बनाए थे आपके धारा सो धारा एक सौ एक धारा एक सौ पैंतीस धारा एक सौ दोस्तों कौन सा सामान्य ये सो कौन सा सो आपके जनरल आपके जीके के सो ये कौन सा जनरल जीके आपके सामने है सामान्य अध्ययन आधुनिक इतिहास सामान्य अध्ययन आपके पॉलिटी सामान्य एक सवाल दोस्तों ऐसा है खुद दोस्तों गूगल पर भी 25 बार ढूंढा फिर उसका आंसर निकल के आए सवाल देखिए निम्नलिखित तो में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए अब दोस्तों इसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है

सवाल से गूगल में मैंने इतना ढूंढा भाई साहब फिर दोस्तों अंत में हार करके गूगल ने बोला ले भाई तो इसका आंसर ले डेढ़ घंटे बाद में आंसर निकाला गूगल ने इसका और आप उम्मीद कर दो बच्चा जो है वो मैथ डीआई रीजनिंग डी आई रीजनिंग साइंस भाई साहब साइंसा लेवल देखना सो साइंस का वो बिच्छू है बिच्चु है समझ नहीं आ रहा भाई साहब है क्या दोस्तों बिछुआ के दोस्तों के पेड़ का जो आपको सो पत्ता जो होता है अगर वो चुप गया आपके तो कौन सा अम्ल निकालेगा बिछुआ का पत्ता हमें दोस्तों बिच्छू है बिछुआ है पेपर में यही नहीं समझ में आ रहा भाई साहब ये सवाल लेवल आपके सामने हो सकता है एक आध का तुक्का लग भी गया इसके अंदर हाँ ठीक है ये आंसर होगा हाँ सर मुझे तो अभी पता लगा आंसर इसका सर मैं नाम अंदर बिल्कुल ठीक बोल रहा ये पेपर आपके सामने जी के सवाल आपके करंट अफेयर्स की बात करंट अफेयर्स पूछो हो सकता है दोस्तों भविष्य में आपके सामने जो है यूपीएससी भी सवाल यहां से उठाएगा जो है इतने बेहतरीन सवाल सो निकाले थे उन्होंने आपके करंट अफेयर्स मतलब दोस्तों होता है सामान्य दोस्तों आपके जो जागरूकता है अवेयरनेस जो है जो अखबारों में आ रही है इन्होंने जो सवाल पूछे दोस्तों उनमें से एक भी अगर आपको अखबार में मिल जाए ना द हिंदू सर्च करना दोस्तों आप वहां मिल जाए आपको तो मुझे कहना ठीक है करंट अफेयर के सवाल जो पूछे गए हैं आपसे देखो तो तीन चार सवाल तो देखो वो तो सब में से मिल ही जाएंगे आपको सर दस में से तीन चार मिल जाए वो सब बड़ी बात नहीं है सवाल दोस्तों वो है कि आपसे सवाल पूछा गया आपको समझ में तो है सवाल क्या पूछा गया आपको सवाल समझ में नहीं आएगा कि ये सवाल पूछ क्या रहा है कुत्ता घधा करंट अफेयर्स में पूछ रहा है आपके सामने कुल मिलाकर जिनका भी दोस्तों एग्जाम होने वाला है उनके लिए सूचना ये मिलती है आगे की रणनीति जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज कर लो कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करना क्योंकि आप जानते तो अगर अगर आज वाला पेपर ही वापस रिपीट होता है तो जो आप नया पढ़ोगे उसमें से भी नहीं पूछने वाला ठीक है वो अपनी मर्जी से पूछने वाला है तो जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज कर लो जो क्या नया पढ़ने का प्रयास मत करना और पढ़ाई काम ही आती है आगे एग्जाम में काम आएगी आपके सामने और जो अब भी आपके सामने सो जो पेपर आएगा आपको उसमें बेस्ट ही देना है कट ऑफ कम ही जाने वाली है आपने तो देख लिया आपके कट ऑफ कम ही जाएगी और आपको अपना बैच देकर आना है कम कट ऑफ के अंदर आपको अपना सेलेक्शन लेना ही है इसके अंदर क्वालिफाइंग कर रहे हैं मुद्दा दोस्तों इस बात का नहीं है कि बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे नहीं करेंगे आप कितना भी टफ एग्जाम दे दो तो बच्चा क्वालिफाई तो करेगा ही दोस्तों इसके अंदर एक कट ऑफ तो जाने वाली है वो तो सब कुछ होने वाला है ना वो तो जाएगी कट ऑफ ठीक है कुल मिलाकर सो तो बात यह है कि जो परीक्षा में पूछ रहे हो क्या वो उस एग्जाम के हिसाब से तर्क संगत है दोस्तों उस तो रिले उसका जो सवाल आपने पूछे का तो यूपी एग्जाम का पेपर है वो आपके सामने अगर दिल पर हाथ रखकर आयोग ये बोल दे कि हाँ ये यूपी पैट एग्जाम का लेवल है तो दोस्तों मैं भी इस वीडियो को हटा दूंगा यहां से और मैं भी बोल दूंगा भाई आयोग बिल्कुल सही बोल रहा है बेस्ट आयोग जो है वो है आपके सामने उसने किया है आयोग ने पेपर तो कुल मिला दोस्तों बात यही है विश्लेषण यही है मेरा तो आपके कि चालीस पचास सवाल आप निकाल ले जाओगे तय है इस बात को चालीस पचास सवाल आपके निकल जाएंगे पर दोस्तों मुद्दा इस बात का है कि जो तो सवाल पूछ रहे हो वो सवाल क्या सवाल हार्ड सवाल है या बैतुके सवाल हैं वो आपको चेक करना पड़ेगा बाकी जिनका भी एग्ज़ाम है उनको ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से दिल तो मेरा भी दोस्तों दुखा है आपके कि एक टीचर मेहनत करता है आपके सामने से खड़ा होकर के हर टीचर ने मेहनत की थी आप परीक्षा को हार्ड करते मज़ा आता आप बेतुके सवाल पूछ करके जबरदस्ती एक कोशिश कर रहे हो अपनी योग्यता दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप कितने योग्य हो तो बहुत सारे और सो एग्जाम होते हैं आर ओ आर ओ एग्जाम होते हैं और यूपी पीसीएस एग्जाम होता है वहां दिखाओ अपनी योग्यता यहां दोस्तों पैट का क्वालिफाइंग एग्जाम में क्या अपनी योग्यता दिखा रहे हो मैं फिर कह रहा हूं अगर मैं चाहूं कि आप एक सवाल ना कर पाओ तो आप गारंटी दोस्तों मेरी इस बात की कि आप एक भी नहीं कर पाओगे अगर दोस्तों मैं चाहूं तो सवाल निकाल के लाऊंगा दोस्तों ऐसा सवाल आपके कि किसक काकोरी ट्रेन डकैती में जो ट्रेन जा रही थी उसकी स्पीड कितनी थी बताओ बेटा आपने खूब पढ़ा है ट्रेन डकैती आपके राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान अशफाको खूब पढ़े आपने बताओ उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी जब उसको लूटा गया था जाओ तो कुछ भी बना लो सो चाहने वाले दोस्तों कुछ भी बना लीजिए आप पर जो पूछो वो उस एग्जाम के हिसाब से रिलेटिव हो अब सोचिए दोस्तों आप जब 2024 में एग्जाम होगा दोस्तों दो हजार में यूपी पैट का एग्जाम होगा और सो बच्चे जो हैं आपके इस वाले एग्जाम को देखेंगे उनका तो सब भरोसा उठ जाएगा भाई साहब ये कौन सा एग्जाम आया था तो पिछली बार आप सोच सो, जब अगले साल बच्चा एग्जाम देगा पैट का और सो इस वाले पेपर को देखेगा वो आपके उसका तो सब भरोसा उठ जाएगा ये कौन सा पेपर आया था तो पिछली साल जो है ये दोस्तों लेवल पढ़ने में अगर वो बैठ गया तो बाकी एग्जाम में तो उसका बंटाधार होना ही होना तय है वो और एग्जाम तो कोई निकाल नहीं पाएगा अगर यही लेवल वो बैठ गया आपके ये कुछ भी पूछ सकता है कुछ भी पूछ सकता है स्वागत है आपका यूपी पैट के एग्जाम में इसलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में लिखा था आपके सामने कि यूपी डबल यूपी ट्रिपल एस सी पैट नहीं है इसमें तो डबल एस हटा दीजिए आप ये यूपीएससी पैट का एग्जाम है आपका हर चीज की तो कोई लिमिट तो है नहीं आपके सामने अगर आप चाहते हो जीके पढ़ना दोस्तों तो सूर्य के नीचे जो कुछ है वो सब कुछ जीके ही होता है आप कुछ भी पढ़ लीजिए आंतरिक ग्रह के अंदर कौन सा एस्ट्रॉइड है कुछ भी पूछ आपके बहुत सारे साढ़े चार अरब सौ आपके साल हो गए पृथ्वी को बने हुए कुछ भी आप पूछ सकते हो आपकी मर्जी है पर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसकी सोचिए एक बार वो बड़े सपने के साथ में तैयारी करता है और कितना खर्चा उसने जाने का किया होगा सोचिएगा कितना खर्चा उसने कोचिंग में इन्वेस्टमेंट किया होगा कितनी उसकी उम्मीदें होंगी इस एग्ज़ाम के साथ में और जब उसने पेपर देखा होगा उसका कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे गिर गया होगा वो भविष्य में जब एग्जाम देगा तो उसका कॉन्फिडेंस कितना खराब होने वाला है आप ये सोच कर देखना एक बार जो है अपने दिल पर हाथ रखना और सोचना कितने सपने इस पेपर से जुड़े हुए होंगे दोस्तों ट्रेनों में खचाखच भरे हुए हैं जिगा नहीं है दोस्तों आपके खड़े खड़े जा रहे हैं पांच पांच सौ किलोमीटर जा रहे हैं एग्जाम देने की एक उम्मीद के साथ में जा रहे हैं कि जो उनसे जो उन्होंने पढ़ा हुआ है जो आपने सिलेबस जारी किया है उसमें से आप सवाल पूछोगे अब वो कर पाते हैं नहीं कर पाते वो उनकी योग्यता होगी उनकी पढ़ाई होगी कितनी पढ़ाई उन्होंने की है पर आप आपकी मर्जी हो जो पूछ रहे हो आप ऑल बेस्ट आप सभी को और आपका सिलेक्शन हो एग्ज़ाम में मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो जाए आपका पर आयोग से भी रिक्वेस्ट है एक कि आप सवाल पूछिए आप शुरुआत में बोलिए हमें कि ये सिलेबस होगा पेपर का हा पेपर का लेवल हार्ड होगा ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम नहीं होगा बच्चा उस हिसाब से तैयारी करेगा अगर आप चाहते हो कि बच्चे की जो अस असली योग्यता है उसको निकाल पाओ बाहर तो जो आपने सिलेबस जारी किया है उसके अनुसार पूछ लो उस लेवल का पेपर आप दे दो और उसमें क्वेश्चन को हार्ड बनाओ सिलेबस में तो क्वेश्चन हार्ड बनाओ अब अगर आपने उस बच्चे को उसका मन है क्रिकेट खेलने का और आप बोलते हो फुटबॉल में तेरी योग्यता चेक करेंगे तो फुटबॉल दोस्तों वो नहीं खेल पाएगा वो खेलना क्रिकेट चाहता है क्रिकेट में लाओ सामने अच्छा अच्छे बॉलर लाओ सामने अब आप बोलोगे टेनिस खेल बेटा उसमें चेक करेंगे आपकी तो टेनिस में दोस्तों चेक नहीं होने वाली है वो क्रिकेट का खिलाड़ी है क्रिकेट की ही खेल पाएगा वो तो बस ऑल दी बेस्ट आप सभी को ध्यान रखना खुश रहिएगा थोड़ा दर्द हुआ तो इसलिए लाइव आ गया वरना लाइव नहीं आ रहा था मैं पर क्या करें है ना दर्द हुआ थोड़ा सा दर्द हुआ तो लाइव आ गया आपके सामने और हार मत मानना असफलता एक चुनौती है, है स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम कुछ किए बिना ही जय कार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरी क्लास से सवाल बहुत सारे है मुद्दा वो है ही नहीं दोस्तों पर मैंने तो पैट के हिसाब से पढ़ाया है उसमें से पूछो ना सवाल मैं तो पीसीएस को भी पढ़ा रहा हूं यहां पर खड़ो करके ब्रह्मास बैच में तो सवाल पूछे हैं आपने मैं जानता हूं पूछे हैं आपने पर वो पैट का क्या लेवल है क्या मुद्दा इस बात का कि जो सवाल पूछ रहे हो वो पैट का लेवल का एग्जाम है क्या वो उस लेवल का एग्जाम नहीं है मुद्दा इस बात का है मुद्दा ये नहीं है कि सवाल किसकी क्लास में से आए मुद्दा ये जो आपने सवाल पूछा है वो पैट का एग्जाम लेवल है या नहीं मुद्दा इस बात का है बाकी ध्यान रखना जय हिंद थैंक यू हिम्मत मत हारना और जिनका एग्जाम कर लो उनको ऑल दी बेस्ट है जमकर पेपर करना कट ऑफ कम जाएगी कम कट ऑफ में आपको सिलेक्शन लेना है जय हिंद थैंक यू